नमस्कार, मैं सलोनी अदवंशी, आप देख रहे हैं आज की आवाज न्यूज एरिया। देखिए अब खबर शिवनी मालवा से। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ द्वारा सिवनी मालवा के गांव रजौरा जाट में धिक्कार दिवस मनाया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, तहसील अध्यक्ष संतोष पटेल, तहसील संयोजक ब्रजमोहन पटेल, तहसील सह संयोजक धर्मेंद्र पटेल, जिला सदस्य गौरी शंकर कुशवाहा, जिला सह मीडिया प्रभारी प्रमोद पटेल, जिला युवा संयोजक नीरज दीक्षित, तहसील मीडिया प्रभारी समीप यदुवंशी, तहसील युवा संयोजक पवन प्रजापति, मंडल अध्यक्ष प्रमोद गौर, गणेश जाट, संतोष जाट, रामपाल जाट, निर्भय सिंह यदुवंशी सहित किसान मजदूर भाई उपस्थित रहे, जिसमें गांव बंद, अनाज, फल, दूध और सब्जी को शहर नहीं ले जाना और शहर से कुछ खरीद कर नहीं लाने पर चर्चा हुई, जिसमें समस्त किसान एवं मजदूर भाइयों ने सहमति दी। देखिए सिवनी मालवा से प्रमोद पटेल की खास रिपोर्ट। ऊपर भी नहीं, वो खुल जाए। मैं हूं नीरज दीक्षित और आप देख रहे हैं आज की आवाज इंडिया। अभी हम आए हैं ग्राम रजौरा, जहां किसान एवं मजदूरों द्वारा धिक्कार दिवस मनाया गया। आइए मिलते हैं कुछ किसानों से। मिलना चाहेंगे राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष संतोष जी से कि आज यहाँ क्यों रखा गया और किस मुद्दे को लेकर। 1 जून से 10 जून तक जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें आज धिक्कार दिवस के रूप में जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, विश्वासघात जो सरकारें हमारे साथ कर रही हैं, विश्वासघात जिन्होंने वादा करके वादा खिलाती की, और इसी कड़ी में पिछले वर्ष जो हमारे किसानों के साथ भी गद्दारी की, विश्वासघात किया, उसी को लेकर आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है धिक्कार दिवस के रूप में। इसमें क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमेशा घाटे में जा रहा है, कर्ज में लदा जा रहा है, उसके मूल्य, उचित मूल्य उसका मिलता नहीं है किसानों को है, और इस प्रकार उत्तरोत्तर घाटे में चला जा रहा है किसान। और कर्ज माफ होना, उनका कर्ज माफ नहीं होना भी एक घातक बीमारी है किसानों के साथ। उचित दाम मिलना चाहिए फसल का, दूध का, लेकिन कोई सामान्य कीमत मिल ही नहीं रही है, इसलिए ये सब। अगर ये जो गांव बंद हड़ताल है, ये अगर ज़्यादा 10 तारीख के बाद भी ज़्यादा समय पर तक चली, हम किसानों से आपके यहाँ गांव बंद चल रहा है, गांव बंद हड़ताल आपके यहाँ चल रही है, तो आप लोग इसमें सहयोगी हैं? बिल्कुल सहयोगी है हम। अच्छा, तो आप लोगों ने दूध, फल, सब्जी सभी बाजार ले जाना बंद कर दिया? बिल्कुल, 1 तारीख से 10 तारीख दूध वो पूर्णतः बंद है हमारे यहाँ। अगर तरफ से अभी सोसाइटी में कुछ सरकार ने माफ किया, सोसाइटी में कुछ माफ नहीं हुआ, नहीं हुआ।